मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे गाजीपुर। तो आज गाजीपुर में अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी जाएंगे अखिलेश यादव। सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से गाजीपुर पहुंचेंगे। मुख्तार अंसारी के घर पर भी जाएंगे अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी के परिवार से इजहार ताजियत भी पेश करेंगे। तो आपको बताते चले, 28 तारीख को मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर आई थी, तब से ही शोक की लहर देखने को मिली और तमाम तर सियासतदारों ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए थे और कहा गया था कि ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है, इसके पीछे साजिश का अंदेशा जाहिर किया था और जहर देने की बात कही गई थी। तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जांच का मुतालबा किया गया था और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो मुख्तार अंसारी के परिवार से ताजियत पेश करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे और 11 बजे करीब उनकी मुलाकात गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से होगी और कब्र पर भी ताजियत पेश करने जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आलोक कुमार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव के गाजीपुर पहुंचने को लेकर? जी निश्चित तौर से माफिया मुख्तार अंसारी के 30 मार्च को जो सुपुर्द खाक की गई थी गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में, उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास फाटक मोहम्मदाबाद में जो है वहां पे लगातार जनप्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ है। रोज कोई ना कोई मिलने उनसे जरूर पहुंच रहा है। हालांकि इससे पहले अभी 1 अप्रैल को सीधे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हुए थे और लगभग 12 बजे के रात में वो पहुंचे हुए थे और परिवार से मुलाकात करने के बाद सीधे वो निकल गए। हालांकि मीडिया से मुखातिब भी नहीं हुए, मीडिया को बैन कर दिया गया था। उसके बाद आज जो है निश्चित तौर से कहा जाए कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास अष्ट शहीद मोहम्मदाबाद में अष्ट शहीद इंटर कॉलेज है वहां पे उनका हेलीपैड बनाया गया, हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से सीधे जो है अफजाल अंसारी के यानी मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास फाटक में जो है सीधे वहां पहुंचेंगे और लगभग 45 मिनट का वो समय रखा गया है और इस दौरान बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के पूरे परिजनों से मुलाकात होगी, उमर अंसारी होंगे।